चौथी आयत से हम बयान सुने। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तंजील सुनाई कि आसमान की बादशाही उस आदमी की तरह है जिसने एक मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया, एक को 5 कंकाल दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और सफर को रवाना हुआ। जिसको 5 कंकाल मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का कंकाल छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंकाल मिले थे वो 5 कंकाल और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ए खुदावंद, तूने मुझे 5 कंकाल सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उसे कहा, ए नेक और दयालुदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयालुदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंकाल मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 कंकाल मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंकाल और कमा लिए। उसके मालिक ने उसे कहा, ए नेक और दयालुदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयालुदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंकाल मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता हूं कि तू सख्त आदमी है, जो जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर 13 कंकाल जमीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता कि मैंने जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं, बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता, बस इससे ये कंकाल ले लो और जिसके पास 10 कंकाल है उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अपराध होगी, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वसीला से सबकी हिदायत दिखाई जाए।
इसी किताब में मेरे अजीजों पिछले इतवार से इबादतों का मौजू और मिजाज हमें एक दावत देता है कि हम तैयार रहें, होशियार रहें, चाको चौबंद रहें और वो नेमतें और बरकतें खास तौर पर अकल और पहन हिम्मत और दानिश की जो नेमत खुदा ने हमें दे रखी है उसे खुदा बहुत सालों बाद जब
इज्जत, पांच और कमा लिए। और मालिक ने क्या कहा, शाबाश शाबाश है होशियार आदम, शाबाश तू थोड़े से थोड़े दयालुदार निकला है, मैं तुझे बहुत ज्यादा मुख्तार बनाऊंगा, मेरे बाप के आसमान के बादशाहत में शामिल हो और अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो। जिसे दो मिले थे उसने खुद एतमादी की बहुत कमी है, शायद
से वो कर सकते हैं। हमें तो नौकरी नहीं मिलती, हमें कोई नौकरी नहीं देता, हमें कोई काम नहीं देता। ये वो नकम्मे गुलाम है जिनके बारे में खुदा ने कहा कैसे पास जो है वो भी ले लो। एक बहुत मशहूर कहावत है, ये 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 कहा है किसी मशहूर इंसान ने विलियम बिल गेट्स से। विलियम बिल गेट्स का नाम आपने बहुत से लोगों ने सुना है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, बहुत अमीर तरीन इंसान है। उससे कहा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। इंसान गरीब पैदा होता है, इसमें इंसान क्या कर सकता है, उसका कोई कसूर नहीं है। गरीब खानदान में पैदा होना, गरीब आदरण में पैदा होना, इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं।
में कहते थे कि घर में जाकर फारिग नहीं बैठना, काम करना है। आप नौ बजे पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं करनी, काम करना है, मेहनत करनी है, मशक्कत वाला काम करना है, जिस्मानी मशक्कत वाला काम करना है। मजदूरी भी की है, रंग का काम भी किया है, वेल्डिंग का काम भी किया है, मुस्तकबिल में खुदा की बादशाही शर्त के मुमात